नमस्कार गाइस, मैं अमिताभ के अपने YouTube चैनल अमित जॉब्स अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। सो भाई आप लोगों के लिए मैं कंडक्टर पद के जो मैंने आपको डिटेल बताई थी, तो मैं आपको यहां पे इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि इसमें आवेदन कैसे करते हैं, क्योंकि भाई लोगों का कमेंट आ रहा था कि इसमें आवेदन करके बता दीजिए, हम आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कई सारी इसमें समस्या आ रही है कि जिस वैकेंसी को पहले शो हो रही थी अब वो वैकेंसी शो नहीं हो रही है। तो इसको मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि उस वैकेंसी को हम कैसे देख पाएँ जो वैकेंसी पहले दिख रही थी लेकिन अब नहीं दिख रही थी, उसको भी मैं इसमें कन्फर्म कर देता हूँ। आपको कोई भी दिक्कत हो हमें कमेंट बता दीजिएगा, हम हर आपकी दिक्कत का यहाँ पे समाधान करेंगे। तो आप यहाँ पे सबसे पहले डिटेल चेक कर लीजिएगा, हर मतलब जितनी भी जिलों में वैकेंसी आ रही है सभी जिलों में वैकेंसी के लिए योग्यता सेम रखी है, सब सेम है बिल्कुल, केवल आपको आवेदन अलग अलग कर देना है, ठीक है। जैसे इसमें पद देख सकते हैं, कंडक्टर का उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम में संस्था अलग अलग हो सकती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आवेदन अंतिम 19/3/2024 रखा है इसमें, आगे मैं बता दूं इसमें जो पोस्ट है इसमें 179 पोस्ट है, ठीक है। योग्यता देख सकते हैं, योग्यता यहाँ पे रखी है हाई स्कूल इंटरमीडिएट प्लस ट्रिपल सी कॉम्पिटेंसी यानी कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए, जिसमें ट्रिपल सी आपका यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। आगे बता दें भाई साहब यहाँ पे तो आप कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो पुरुष महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर सभी लोग इसमें जो भी सब यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, सॉरी विकलांग नहीं है। यहाँ पे वेतन देख सकते हैं 13,000 प्लस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एज लिमिट 18 से 40 बस आपकी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है अनुभव, तो अनुभव को आपको यहाँ पे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जनपद सहारनपुर के लिए मैं आपको इस डिटेल चेक करा दी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सभी जितने भी मैंने पिछला वीडियो बनाया था जितने की डिटेल चेक कराई थी, मैं सभी का एक एक करके इसमें आवेदन करके आपको बता दूंगा। सो आप उसको इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको आवेदन करके बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको सेवायोजन पोर्टल की इस लॉगिन पेज पे आ जाना है भाई, इस लॉगिन पेज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वरना आप यहाँ पे आ जाइएगा, ठीक है। वैसे मैं इसमें डाल दूंगा, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी यूजर आईडी पासवर्ड अब यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे यूजर आईडी ऑप्शन, यूजर आईडी यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे कैप्चा है, यहाँ पे भर के आपको नीचे सर्च पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यदि आपकी यूजर आईडी पासवर्ड भूल गए हैं, दिक्कत है, नहीं पता है, और यदि आप नया अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम उस पर एक नया वीडियो आपके लिए ला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी यूजर आईडी पासवर्ड भर लेता हूँ, आप अपने अनुसार इसमें भर लीजिएगा। फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं आप अपनी प्रोफाइल में यहाँ पे आ चुके हैं, मैं अपनी यहाँ पे प्रोफाइल में आ गया हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार आप भी अपनी प्रोफाइल में आ जाएंगे। अब हमें उन वैकेंसी में आवेदन करना, तो यहाँ पे लिखा है आवेदन करें, यहाँ पे आवेदन करें पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं वेबसाइट हमें अगले पेज पर रिडायरेक्ट करेगी, तो थोड़ा वेट करना है क्योंकि वेबसाइट स्लो भी चलती है, ठीक है, कभी कभी तो हो सकता है थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। थोड़ा वेट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शन निकल के आ चुके हैं। तो भाई अब उस समस्या का हम आपको सॉल्यूशन बताएं कि जो वैकेंसी शो नहीं होती तो उसको शो कैसे करना है। तो सबसे बड़ी बात, पहले बात होती है एक, जिस जिले के लिए आप उस वैकेंसी को देख रहे हैं यदि वो डायरेक्ट एजुकेशन यहाँ पे शिक्षा योग्यता से यहाँ पे सर्च करने पे नहीं आ रही है, तो आपको किसी भी ऑप्शन से छेड़छाड़ नहीं करना, आपको केवल जिला सर्च करना है, ठीक है। जिस जिले की वो वैकेंसी उसी जिले का आपको केवल जिला ही सेलेक्ट करके यहाँ पे सर्च कर देना, वो जिले के अनुसार ही फिर निकलेगी, ठीक है। एक तो हो गया ए। अब दूसरा देखेंगे यदि योग्यता से यदि वो वैकेंसी थोड़ी चल रही है तो उसको हम सबसे पहले योग्यता वाले से भी निकाल सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने योग्यता पे यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो योग्यता में मैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट यहाँ पे उसको अंडर आता है, तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट से निकल जाती, तो मैं यहाँ पे करके यहाँ पे सर्च पे कर दिया, ठीक है। सर्च पे क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है इसमें भी, 10 से 20 सेकेंड, कभी कभी 1 मिनट भी हो जाता है, तो थोड़ा वेट करना है, ठीक है। जैसे ही वैकेंसी शो होती है मैं फिर आपको इसमें आगे बता देता हूँ कि कैसे इसमें वो करना है, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे सो देख सकते हैं, हम यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, वैकेंसी शो होने लगी हैं, ठीक है भाई। जो वैकेंसी अभी न्यू लेटेस्ट अपडेट हुई हैं वो अभी ऊपर शो करेंगे, जो पुरानी मतलब जो पहले ही आ चुकी थी, जैसे जो 12 तारीख को अपडेट हुई थी वो थोड़ा लेट नहीं दिखती, शो नहीं करती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वैकेंसी, इसमें कुछ वैकेंसी दिख रही हैं, जैसे कुछ वैकेंसीज का पता नहीं कि कहाँ इसमें शो नहीं हो रही हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। उनको शो कराने के लिए एक चांस ये भी रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न, आपको प्रश्न देख रहा है, प्रश्न पे आप यहाँ पे 10 सेलेक्ट किए हैं, आप यहाँ पे 50 सेलेक्ट कर लीजिए, 50 कर लीजिए, यहाँ पे 50 किया, थोड़ा यहाँ पे अभी 10 तक शो हो रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा टाइम लेने के बाद वैकेंसी ऑटोमेटिक ही नीचे की थोड़ी भी दिख जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा इसमें भी टाइम लग सकता है, तो ठीक है, थोड़ा यहाँ पे 50 सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा यहाँ पे वेट करेंगे। जैसे ही हमने 50 सेलेक्ट किया, यदि 50 पे नहीं हो रही हैं तो आप यहाँ पे 100 भी कर सकते हैं, ठीक है। 100 पे करने के बाद थोड़ा रुक जाएंगे,
सो गाइस आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे 10वें नंबर तक की बार शो हो रही थी, ठीक है। तो आप 10वें से देख सकते हैं अब 11वें नंबर की भी शो हो रही वैकेंसी, यहाँ पे 12वें नंबर की शो हो रही है, और लास्ट की भी जो वैकेंसी है जो इसके अंतर्गत आती हैं जो मेन मेन वैकेंसी वो शो हो रही है। अभी देख सकते हैं आप प्रयागराज की वैकेंसी शो नहीं हुई वो भी होने लगी है, और यहाँ पर देख सकते हैं हरदोई की भी शो नहीं हुई तो वो भी हमने यहाँ पर आपको आइडिया बता दिया कैसे करना है। तो भाई मैंने पिछला वीडियो बताया था कई सारी जिलों के लिए, तो आप एक एक करके सभी में इसी प्रकार से आपको आवेदन करना है। एक में मैं आपको बता देता हूँ, एक या दो में मैं आपको बता देता हूँ, उसी प्रकार से आप आवेदन कर लेंगे। बाकी इसमें सेम प्रोसेस रहता है आवेदन करने का, आपको मैं बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रयागराज का मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रयागराज, तो प्रयागराज के लिए आप यहाँ पे बगल में बटन देख सकते हैं आवेदन करें, तो इसी पे आवेदन करें पे आपको क्लिक कर देना है, बाकी आपका आवेदन हो जाता है, ठीक है। तो सभी पे जैसे यहाँ पे कर देंगे तो इसका प्रयागराज का हो जाएगा, यहाँ पे आवेदन कर देंगे, यहाँ पे लिखा है हरदोई तो हरदोई के लिए आवेदन कर देंगे तो यहाँ से इसका भी आवेदन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं झांसी ललितपुर जालौन, इसका शायद मेरे से हो गया है तो ये अब द्वारा नहीं होगा, ठीक है, एक बार आवेदन हो जाता है। दूसरा देख सकते हैं सहारनपुर, इसके लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो इसका भी हो जाएगा, जिसका हम कर देते हैं उसका आवेदन करने का बटन हट जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं गोरखपुर का, तो गोरखपुर का यहाँ से आवेदन इसका कर देंगे, ठीक है। अगला देख सकते हैं मेरठ का, तो मेरठ का यहाँ से इसमें यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और आगे जो वैकेंसी अभी चल रही है इनका मैं आपको डिटेल कर वीडियो ला दूंगा इनका कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है। सबसे पहले मैं किसी एक का कर देता हूँ, उसी प्रकार आपको भी कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ प्रयागराज का, तो प्रयागराज के लिए मैं यहाँ पे आवेदन करने पर पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने जैसे यहाँ इस पर क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट थोड़ा लोड लेगी और हमारा आवेदन को कंफर्म करेगी, ठीक है। थोड़ा हमें यहाँ पे वेट करना है क्योंकि वेट इस वेबसाइट पे थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इस वेबसाइट में बहुत सारा लोड है शायद इस समय, ठीक है। तो थोड़ा समय लेगा और हमें अगले पेज का वेट करना है कि हमारा आवेदन कैंसिल कर दिया गया हो गया है। लगभग इसमें कुछ भी एरर आ जाता है तो सामान्य रूप से आवेदन हो जाता है, ठीक है। सो देख सकते हैं गाइस फाइनली हमें एक पॉपअप निकल के आ चुका है। पॉपअप को आप यहाँ पे देख सकते हैं, पॉपअप में लिखा है यो एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली, यहाँ पे प्लीज इंश्योर दैट, यानी हमारा आवेदन यहाँ पे कन्फर्मली हो गया है, ठीक है। इसमें कोई प्रिंट आउट नहीं निकलता है भाई, वरना आप सोचो इसमें कोई प्रिंट आउट तो निकला नहीं है जैसे अनदर वैकेंसी में निकलता है, तो ऐसा नहीं है। इसमें हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आवेदन हुआ है कि नहीं, तो उसको भी कन्फर्म करने के लिए आप यहाँ पे बगल में बटन देख सकते हैं डैशबोर्ड का, तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही हम डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं जो वेबसाइट है हमें अपने जो डैशबोर्ड है उसमें ले जाएगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है विवरण देखे, तो आपको विवरण देखे पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही हम विवरण देखे पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब वहाँ पे विवरण हमें क्लियर दिख जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पद मैंने आपके लिए एक वैकेंसी पे करके बताया, जैसे उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन SS एंटरप्राइजेस, यहाँ पे कंडक्टर का पद था, तो इसके लिए यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है कि हमने इसको आवेदन किया है, ठीक है। इतने सारे आवेदन हो चुके हैं, जो हम आवेदन करते हैं वो सबसे पहले शो हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा आवेदन हुआ है कि नहीं, उसी जिस प्रकार मैंने जिस तरीके से आपको बताया है उसी तरीके से आप अपने हर एक जिले की वैकेंसी में जिस जिले से आप आते हैं सबसे पहले उसमें आवेदन कीजिए। यदि आप किसी अन्य जिले में करना चाहते हैं उसमें भी कर सकते हैं, बट आप किसी वर्जन पोर्टल पर आईडी है जो लॉगिन के साथ साथ वेरीफाई होनी चाहिए, तो आप इसमें आवेदन बेसिक कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत समस्या होती है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम आपकी हर समस्या का सोल्यूशन लेके आ जाएंगे, ठीक है। सो गाइस